हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आयुष बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के ऊपर लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा वो था किचन डिजाइन का वीडियो, और उसके बाद इस बीन अ मंथ कि हमने वीडियो अपलोड नहीं किया है। क्यों नहीं किया ये हम जानेंगे वीडियो में आगे। फिलहाल बात करते हैं आज के वीडियो की। सो आज का वीडियो जो है डाइनिंग टेबल के बारे में है। इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस अपलोड किए उसमें डाइनिंग टेबल का सिर्फ एक वीडियो अपलोडेड है, जो है फोल्डिंग डाइनिंग टेबल। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यू नो यहाँ पर कार्ड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल पूछते हैं कि डाइनिंग टेबल कौन से मटेरियल में हम कर सकते हैं, यू नो वेदर लैमिनेट में करें, वीनियर में करें, या कोई स्टोन या नेचुरल स्टोन या आर्टिफिशियल स्टोन। और इसके बारे में कोई भी वीडियो अभी तक हमने बनाया नहीं था, और आज तक जितने भी साइट्स के ऊपर डाइनिंग टेबल हमने रखा है, मोस्ट ऑफ द साइट्स के ऊपर, तो ऐसे हुआ नहीं है कभी कि कोई भी सेम चीज़ आप दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करो, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक इंटीरियर का एक थीम होता है। तो कोई भी चीज़ यहाँ से ब्लाइंडली उठाकर वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। लोगों की पसंद नापसंद और मटीरियल पैलेट को ध्यान में रखते हुए सब कुछ चेंज हो जाता है। तो हमने सोचा एक कंपाइलेशन वीडियो करते हैं जिसमें अलग एक मटेरियल में एक वैरायटी भी देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। सो ऐसा वीडियो है, और इसमें हर एक डाइनिंग टेबल को हमने नंबरिंग किया है 1, 2, 3, 4। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू सी द वीडियो, और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि एग्जैक्टली कौन से नंबर का डाइनिंग टेबल है जो आपको बहुत पसंद आया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नंबर के साथ एक थम्स अप दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी मैं डाइनिंग टेबल के बारे में सोचती हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज अ वुडन टेबल टॉप, एंड दैट इज बिकॉज वुड एज अ मटीरियल इज यू नो गुड टू टच, और दिखने में भी वॉर्म होता है, टच करने में भी वॉर्म होता है। और काफ़ी सालों से अगर हम देखते आए तो सिर्फ डाइनिंग टेबल में ही नहीं, बाकी सारे फर्नीचर में भी हम वुड यूज़ करते आ रहे हैं। और अगर हम उसके फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो ट्रेडिशनल फॉर्म में हमें डाइनिंग टेबल चाहिए, थोड़ा मॉडर्न लुक वाला डाइनिंग टेबल चाहिए। तो कोई भी लुक हो, कोई भी फॉर्म हो, वुड एज अ मटेरियल दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखता है। उसके जो ग्रेन्स होते हैं, उसमें जो शेड वेरिएशन होता है, उसके नेचुरल कलर वेरिएशन जो होता है, दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। तो अगर आपको आपके घर में वुडन डाइनिंग टेबल चाहिए तो किस तरीके से बना सकते हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो प्लाई के ऊपर वीनियर फिनिश कर सकते हैं, और या प्लाई के ऊपर लैमिनेट लगा सकते हैं। अगर वीनियर लगाते हैं तो उसके ऊपर हम पॉलिश करते हैं, लैमिनेट लगाते हैं तो वो ऑलरेडी फिनिश्ड होता है, उसके ऊपर और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती। आपने ये भी देखा होगा कि नेचुरल इस तरीके से कट किए हुए पीसेस भी यूज़ करते हैं एज अ टेबल टॉप। तो नीचे आप कोई भी एक MS में या लकड़ी का ही फ्रेम बना सकते हैं, उसके ऊपर आप ये नेचुरल फॉर्म में वुड प्लैंक लगा सकते हो, जो दिखने में बहुत खूबसूरत दिखती है। नाउ बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ COVID-19, हम काफ़ी सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, और इवन बच्चों के बारे में भी सोचेंगे तो उनका ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, और अभी तक ऐसी कभी सिचुएशन नहीं आई थी कि सोचना पड़े कि घर के सारे लोगों को अगर घर से काम करना पड़े तो किस तरीके से कर सकते हैं। और इतने हमारे पास घर में ऐसे डिज़ाइन डेडिकेटेड वर्क स्पेसेस भी नहीं होते। सो अ लॉट ऑफ पीपल आई नो जो डाइनिंग टेबल को खुद का वर्क स्टेशन बनाकर वहाँ से काम करते हैं, एंड वाई नॉट, मतलब इतनी कन्वीनियंटली अगर आप कहीं पर बैठ के काम कर सकते हो। आई थिंक वुडन टेबल टॉप के बाद इक्वली लव्ड अनदर मटीरियल फॉर टेबल टॉप इज़ ग्लास, और काफ़ी सारे लोगों को ग्लास बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कम्पेयर टू वुड, एंड दैट इज़ बिकॉज आई थिंक मेंटेनिंग अ वुडन टेबल टॉप इज स्लाइटली डिफिकल्ट कम्पेयर टू ग्लास। मतलब ग्लास को आप ईजिली पोंछ सकते हो, ग्लास के ऊपर बहुत देर पानी भी गिरा है या कुछ भी है तो ग्लास ख़राब नहीं होती, वो सरफेस ख़राब नहीं होता। सो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लास मेंटेन करना बहुत आसान है, और विद बेंड ग्लास हम कोई भी फॉर्म हमें मिल सकता है, उसके एजेस शार्प नहीं होते। सो देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू इट। अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग वीनियर टेबल टॉप है और आपको लग रहा है मेंटेनेंस थोड़ा मुश्किल है, तो उसके ऊपर आप एक ग्लास टेबल टॉप भी रख सकते हो, सो दैट वो यूज़ करना और क्लीन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नाउ ऑब्वियसली अगर आपको वुड बहुत पसंद है तो यू माइट नॉट वॉन्ट टू हैव अ ग्लास टॉप ऑन दैट। कॉम्पैक्ट जगह में अगर आपको एक डाइनिंग टेबल लेना है, और अगर आप कोई वुड या हैवी लुक वाला डाइनिंग टेबल लेते हो, तो उससे आपकी जगह और थोड़ी छोटी दिखती है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप एक ग्लास टॉप लेते हो तो आपको नीचे आपका फ्लोरिंग कंटिन्यूस दिखता है, एंड उससे आपकी जगह और ज़्यादा बड़ी दिखती है, थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस लगती है। सो यस, एक छोटी जगह है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक ग्लास टॉप ले लो, वो दिखने में उतना जो बेसिकली सरफेस है उतना ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं होता, जो एक ओपेक टॉप के साथ हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एक घर था जिसका इंटीरियर हमने किया था, बहुत ही खूबसूरत था।
यहाँ पर मेरे पीछे जो आप विंडो देख रहे हो, उस विंडो को हमने मार्बल फ्रेमिंग में ही एक बेंच बनाया था और वही बैठने के लिए यूज़ होगा डाइनिंग टेबल के साथ। इस सोच से हमने, ये सोच के हमने बनाया था। और एक साइड में चेयर, सो दैट ज़्यादा जगह उसमें ऑक्यूपाई ना हो। और अगर आप इस ग्लास टॉप को देखेंगे, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्पेस थी, ग्लास टॉप यूज़ किया और उसको नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, नीचे बेस उसका कम्प्लीटली वो जगह खाली है। एक साइड में ये ग्लास वॉल में फिक्स्ड है, ये टफन ग्लास एक साइड में वॉल में फिक्स्ड है और दूसरे साइड में ये वर्टिकल जो पोस्ट है उसमें फिक्स की गई है। और इस पोस्ट को ऊपर घुमाया है सो दैट, क्योंकि वो क्लाइंट चाहते थे कि वहाँ पर एक सस्पेंडेड लाइट हो और फैन भी हो। यू कैन सी अ पार्ट ऑफ द फैन, क्योंकि ये बहुत पुरानी साइट है, मेरे पास और फोटोग्राफ्स नहीं है इसके। बट क्योंकि तब हमने फर्स्ट टाइम सोचा था कि यार लाइट और फैन साथ में देना हो तो क्या कर सकते हैं। सो दिस वॉज वन आइडिया। नाउ दिस डाइनिंग टेबल इज़ फॉर समवन जिसको नीचे बैठ के खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके घर में सब लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिसमें एकदम फ्लोर लेवल पर नहीं है, थोड़ा सा रेज्ड है, बट एक लो लेवल का डाइनिंग टेबल जहाँ पर आप बैठ के अच्छे से खा सकते हो। तो आपको नीचे बैठ के खाना खाने का मज़ा भी आएगा। और क्योंकि ये लो लेवल पे है, आप नीचे बैठ के अगर आपको काम करना पसंद है तो आप नीचे बैठ के इसके ऊपर लैपटॉप रख के काम कर सकते हो, जो भी आपका राइटिंग वर्क है वो कर सकते हो। और आजकल जैसे मैंने कहा कि बच्चों का ऑनलाइन स्कूल भी घर से ही हो रहा है, और हमारा जो टेबल होता है जो एडल्ट्स के लिए डिज़ाइन होता है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हमारी हाइट और प्रोपोर्शंस के हिसाब से होता है, तो बच्चों के लिए वो उतना कन्वीनियंट नहीं होता। तो आपके घर में अगर बच्चे और इस तरीके का टेबल आपके पास है तो बच्चे नीचे बैठ के बहुत कंफर्टेबली इसके ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं, उनका ऑनलाइन कुछ स्कूल होगा वो भी अटेंड कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, तो उनके हिसाब से ये हाइट बहुत ही आइडियल हो जाएगी। और इसके साथ बैठने के लिए जैसे आप देख सकते हैं ये सीट्स है, मराठी में पाट अपन म्हणू तो पाटा सारखंच आहे हे, बट इफ़ यू फील कि ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा तो यू कैन यू नो जस्ट लीव द सीट्स। और तो सिर्फ आप डाइनिंग टेबल ले सकते हो और नीचे आप बैठने के लिए मैट्स यूज़ कर सकते हो। नाउ विथ ग्लास एंड वुड, अनदर ऑप्शन फॉर अ टेबल टॉप इज स्टोन। और स्टोन में आप आर्टिफिशियल स्टोन यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल स्टोन यूज़ कर सकते हैं। और ये एक रेडीमेड डाइनिंग टेबल है जो हमने क्लाइंट के साथ जाके सिलेक्ट किया था, और इसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया होता है और जिसके वजह से कुछ भी इसके ऊपर गिरता है तो वो अब्जॉर्ब नहीं होता, कोई भी स्टेन इसके ऊपर नहीं आता। तो अगर आपके साइड के ऊपर आपके घर में ऐसा स्टोन सरफेस है और आप चाहते हैं कि वही यूज़ करके साइड पे बनाएंगे, तो आपको ये एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी कि अच्छा केमिकल ट्रीटमेंट करके इसको ऊपर से सील करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसके ऊपर कुछ भी गिरेगा तो देर आर चांसेस कि वो उसके स्टेन्स उसमें रह जाए। दिस डाइनिंग इज़ फ्रॉम चेस्टरफील्ड, और आप देख सकते हैं कि उसका इसका जो डिटेलिंग है, साइड में स्टोन है और बीच में ग्लास देकर नीचे आप इनले देख सकते हैं। तो इस तरीके के डिटेलिंग के वजह से जो स्टोन का एक हैवी लुक होता है तो वो थोड़ा ब्रेक हो जाता है। और सेम डिटेलिंग आप अलग मटेरियल में भी कर सकते हैं या दूसरे किसी स्टोन में कर सकते हो, अगर आपको नैनो वाइट जिसे कहते हैं वो लेना है उसमें कर सकते हो, आप कोरियन में भी कर सकते हो, बट कोरियन उसके ऊपर स्क्रैचेस आते हैं, उसको बफिंग करना पड़ता है। कोई भी नेचुरल स्टोन, नेचुरल मटेरियल आप लेते हो टेबल टॉप के लिए तो बहुत नेसेसरी है लेते वक्त ही पूछना कि किस तरीके से इसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, टू मेक श्योर दैट इट इज़ कम्प्लीटली सील्ड और आप बिना फिक्र करे उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये फोटो जो है ये मेरा सबसे फेवरेट आई थिंक ये है, एंड दिस इज़ फ्रॉम आर रिसेंटली कम्प्लीटेड साइट जो मुलुंड में है, और बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन लॉकडाउन और हम इसका फोटोशूट हमने अभी तक किया नहीं है, बट होपफुली जल्द ही हम इसका फोटोशूट करेंगे कम्प्लीट। आप एक पूरा घर जो काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो आई थिंक इसका हम लोग करेंगे। वैसे आप इसकी साइज़ देखेंगे तो एक 8 सीटर डाइनिंग टेबल है, बहुत बड़ा है, इसके ऊपर नेचुरल स्टोन है और नीचे वुडन सपोर्ट है, उसको दो साइड में उसको सपोर्ट है। और ये हमने रेडीमेड लिया है, हम क्लाइंट के साथ मटेरियल सिलेक्शन के लिए जाते हैं, वैसे हम फर्नीचर सिलेक्शन के लिए भी जाते हैं और तभी हमने इसको सिलेक्ट किया था। इसके जो ग्रेन्स अगर आप देखेंगे थोड़े से हैवी ग्रेन्स है और कलर भी इसका डार्क है, बट क्योंकि जो एक जगह का वॉल्यूम है उसके हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो इट लुक्स नाइस हियर। अगर आपको स्टोन यूज़ करना है पर नेचुरल स्टोन आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो, एक इंजीनियर्ड आर्टिफिशियल स्टोन है और जो किचन काउंटर टॉप के लिए ही बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको आपके पसंद का कलर भी उसमें मिल जाएगा। अगर आपको कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो येस दैट्स पॉसिबल, तो एक अच्छे फिगर वाला स्टोन का लुक अलाइक भी आपको उसमें मिल सकता है। नाउ दिस इज़ वन रेस्टोरेंट जहाँ पर हमने टेबल डिज़ाइन में टाइल्स यूज़ किए थे, और टाइल्स भी इस तरीके से टेबल में लगाएंगे अगर तो बहुत खूबसूरत दिखता है। अगर आपका पूरा डेकोर उस तरीके से है और आप चाहते हैं कि कुछ कलरफुल हो तो यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट
टाइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स और स्मॉल टाइल्स, और आप उसको लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत दिखता है। सीमेंट फिनिश वाला डाइनिंग टेबल भी बहुत खूबसूरत दिखता है और ये इजीली अचीव भी किया जा सकता है। आजकल बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है। एक मटेरियल है जिसको जो एक 15 mm की थिकनेस में आता है, जो किचन काउंटर के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ लाइक क्वार्ट्स और उसमें 6-7 कलर्स होते हैं जिसमें सीमेंट कलर भी पॉसिबल है। उसको आप अगर आपको हाई ग्लॉस चाहिए तो उस तरीके से पॉलिश कर सकते हो, अगर आप मैट चाहिए तो उस तरीके से पॉलिश कर सकते हो। और 10 फुट बाय 4.5 फुट की साइज़ में आता है, तो जैसे कि किचन के काउंटर के लिए यूज़ कर सकते हैं उस हिसाब से, तो आप डाइनिंग के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे जो आर्टिफिशियल स्टोन्स हैं या क्वार्ट्स हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी रेंज जो है मैं कहूँगी 375 से स्टार्ट होती है, 375 या 450, डिपेंड्स कौन से ब्रांड का है। यहाँ पर इस डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने G5 यूज़ किया था और नीचे जो वुडन बेस है डाइनिंग टेबल का, वो हमने चेयर को मैच करके ये चेयर्स हमने बनवा के लिए थे। और टॉप जो है उसके लिए, क्योंकि वो क्लाइंट चाहते थे कि एक वाइट काउंटर टॉप हो, हमने G5 यूज़ किया था। अगर आपको वुड और ग्लास के कॉम्बिनेशन वाला डाइनिंग टेबल चाहिए तो ये एक बहुत खूबसूरत इस तरीके का डाइनिंग टेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक इंडियन लिविंग रूम मेकओवर का हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपने ये डाइनिंग टेबल देखा होगा। तो इसके बैक के ऊपर जो चेयर की बैक रेस्ट है, जिसके ऊपर जो जाली वर्क है, जिसकी वजह से वो और खूबसूरत दिखता है, दिखने में लाइट भी दिखता है। नाउ दिस फोटो इज़ फ्रॉम अ शॉप इन कशेड़ी, भिवंडी के पास में, आपको पता होगा शायद। और यहाँ पर एक फ्लोर प्लेट पे इस शॉप के आप देख सकते हैं 40 से ज़्यादा डाइनिंग टेबल्स हैं। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल में बहुत वैरायटी अवेलेबल है। और टू थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू, अगर आपको डाइनिंग टेबल सिलेक्शन के लिए जाना है तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो भी सरफेस है, टेबल टॉप है, पर शॉप में पूछ लीजिए कि इसको साफ़ किस तरीके से करना है, क्या कोई सोप सॉल्यूशन उसके लिए यूज़ कर सकते हैं या पानी से साफ़ करना है। जैसे भी उसको मेंटेन करना है आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। इसकी चेयर के बारे में भी मैं हमेशा कहती हूँ कि बैठ के देखिए आपको कंफर्टेबल लग रहा है। नाउ दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द अदर फर्नीचर पीसेज एज वेल, सोफ़ा भी होगा तो भी बैठ के देखिए कैसे लग रहा है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं वेयर वॉज आई और वेयर वर वी रादर। और आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा सेकंड पार्ट, तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, तो जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ था अराउंड मार्च, तो मार्च से इंटीरियर डिज़ाइन के सारे साइट्स बंद थे। और अभी स्लोली ऐसे हुआ कि गणपति के बाद धीरे धीरे साइट्स थोड़ा स्टार्ट होने लगे और मटेरियल हमें अवेलेबल होने लगा। वर्कर्स भी नहीं थे तो वो भी धीरे धीरे करके ऐसे लगा कि सब कुछ हो सकता है। सो वो पूरा जो भी प्रोजेक्ट जहाँ पर स्टॉप हुए थे वहाँ से आगे कंटिन्यू करना भी वॉज अ टास्क, क्योंकि हर एक सोसाइटी के अभी आपको पता है कि रूल्स और रेगुलेशंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो जहाँ पे स्टॉप किया था वहाँ से इतने महीने के बाद उसको पिकअप करके स्टार्ट करना, उसमें हम लोग बिजी थे। दैट वॉज वन पार्ट। द सेकेंड थिंग इज़, जब से मार्च से जब से ये हम लोग सब फेस कर रहे हैं, तब से आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स और ईमेल्स है उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है हमने। एंड यू माइट बी वन ऑफ द पर्सन, और ये भी हो सकता है कि आपने हमें ईमेल किया था और आपके ईमेल को हमने रिप्लाई नहीं किया है या आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और जब से ये सिचुएशन में हम कुछ जब से इस सिचुएशन में हम लोग हैं, पिछले 5-6 महीनों से ये हुआ है कि सब लोग रिमोटली काम कर रहे हैं, ऑफिस की स्ट्रेंथ भी बहुत कम है और इस सिचुएशन में इतना सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है हम में से किसी के पास भी किसी की तरह की हाउस हेल्प अभी अवेलेबल नहीं है। एंड विद दैट बाकी सारे काम और पढ़ाई और रिसर्च, और आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, बट हम सबको पता है कि क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं। तो ये सारा मैनेज करके, और एक तो स्ट्रेंथ टीम की कम है तो सब कुछ बहुत चैलेंजिंग हो गया था, बट रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तो सबको एक रिस्पॉन्ड करना ईमेल वो मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक टू सेंड अ पर्सनल ईमेल, जो बहुत मुश्किल होता है एट अ टाइम, और आई डोंट वांट समवन एल्स टू सेंड ईमेल्स ऑन माय बिहाफ। तो ये भी थोड़ा है चैलेंज अभी के लिए। वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट अ सिस्टम जहाँ पर सब कुछ पॉसिबल हो, बट अनलेस एंड अंटिल काफ़ी सारे टास्क किसी को डेलीगेट करने के लिए कोई नहीं है, तब इट लुक्स लाइक थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि कौन से नंबर का वॉर्डरोब आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो एक थम्स अप भी दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।